पानीपत लोकसभा भाजपा प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने गन्नौर विधानसभा में अपना एक दर्जन से ज्यादा गांव में चलाया। वहीं वोटों के लिए अपील की। गांव भावड़ में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने कहा कि जनता उन्हें भरपूर आशीर्वाद दे रही है। माहौल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है और वहीं उन्होंने यह भी कहा, देश की जनता 400 पर के संकल्प को पूरा करेगी और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। वहीं मोहनलाल बड़ौली ने यह भी कहा है कि सोनीपत में पुलिस कमिश्नर रेट लागू होने के बाद क्राइम में भी काफी कमी आई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि सोनीपत को महानगर में शामिल होने से मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट आएंगे और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं मोहनलाल बड़ौली ने यह भी कहा है कि भाजपा के कार्यकाल में रोजगार के अवसर निजी और सरकारी क्षेत्र में बढ़े हैं। उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर घटी है। कांग्रेस से झूठे आरोप लगाती है और जनता इसके बहकावे में नहीं आएगी। प्रेस के माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब से कमिश्नरी सोनीपत नियुक्त हुई है और पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद सोनीपत में क्राइम रेट घटा है। घरेलू हिंसा कई दफ़ा बढ़ती भी है, लेकिन जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से लूटपाट की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं और एक योजना के साथ अपराध करने की जो घटनाएं हैं वो सोनीपत में घटी हैं और आंकड़े भी इस प्रकार के हैं, वो आंकड़े मैं आपको दे दूँगा। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकार की योजना है, SMDA की भी स्थापना, सोनीपत मेट्रो सिटी बने, मेट्रो रेल यहाँ आए, रैपिड रेल यहाँ आए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ सोनीपत में आए, इसलिए इस सोनीपत महानगर निगम में शामिल जो किया है ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है। इसका लाभ सर एक आरोप और लगा, 10 वर्षों में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से और हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं से हमारी बेरोजगारी घटी है और लोगों को रोजगार देने के नए अवसर प्रदान किए हैं, युवाओं को भी नए अवसर प्रदान किए हैं और बाहर से भी लोगों ने आके हरियाणा में रोजगार को प्राप्त किया है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बाहर के लोगों को रोजगार देने का काम करता है और रोजगार के साधन हरियाणा में बहुत हैं। आज मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर घटी है और ये जो कांग्रेस झूठे आरोप लगाती है इसके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है, जनता सब जानती है। आज ये भावर गाँव में मैं पहुँचा हूँ, दूसरा गाँव है और अभी शाम तक 15 प्रोग्राम और हैं, 17 प्रोग्राम मेरे याद है। कैसा अभियान आपका चल रहा है जनता? बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार के संकल्प को देश की जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे के पूरा करेगी। अच्छा मोदी जी, ये जो रोड शो की है, किसी ने झूठी खबर दी है? अभी कोई इस प्रकार का रोड शो की नहीं है। एक प्रस्तावित जनसभा सोनीपत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 18 तारीख को है, वो आज क्लियर हो जाएगी। उसमें अगर कोई स्थान में कोई डेट में चेंजिंग होगी तो वो बता दी जाएगी। अभी प्रस्तावित योजना जो हमारे पास आई वो 18 तारीख की 3 बजे की आई। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।